कोई नहीं यार सब सब सेट तो से मुंबई तो हाँ लिखे <laughs> तो 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 <laughs> <laughs> तो क्यों नहीं बीस रूपए चॉकलेट लाता कुछ लिख लेता है कि नहीं इसको भी तो बोलते हैं मैनेजमेंट

आजकल तो इतने पेपर हैं हम बच्चे को तो भी बोलते भी है कि देखो ये ये वाले बच्चे भी इनके अट्ठारह हज़ार फीस देते हैं हमारा इनसे भी एक प्रॉमिस रहता है कि दोस्त तुम लोगों ने जितनी फीस पे की है हम इससे ज़्यादा तुम्हें लौटा के भेजेंगे हाँ जी उनतीस को एक उनतीस को एक अवॉर्ड सेरेमनी है हमारे ये है ना शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी जाएंगे आप देखेंगे शुरू करें आज के सवाल मशीन के ओए हमने क्या इसमें बैरी टाइप में क्या गलत पढ़ा दिया बैरी टाइप में कहा है लड़का ये कह रहा है कि गुरुजी ने गलत मैं कहा भाई इसमें पढ़ाने का था ही क्या मगा राजा को आने दे बढ़िया नहीं है ना अच्छा तो भाई देखो बच्चों बढ़िया से रिवाइज करो पेपर दो अपने और इकतीस तारीख को दो बजे नहीं बारह बजे आप लोगों के लिए छोटे से एक पार्टी का आयोजन किया गया है सभी लोग आमंत्रित है अरे सुमित भी आ रखा है अलविदा 2022 हर साल की अगर खुशहाली से हम आगमन करते हैं तो 2022 ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं मेन्यू मेरा खून पी लो, सर हम लो दिन नहीं।, नहीं नहीं उस दिन हमने अरेंजमेंट कर रखा है बाकायदा अच्छा सा एक लंच कोई नहीं तुम ऊपर रोटी बनवाने मदद कर देना एक बढ़िया सा केक ठीक है जी हमने इसलिए दिन में किया आप लोगों के लिए ये अरेंजमेंट कि थोड़ा गर्ल्स वगैरह अगर शाम को करते तो नहीं आ पाते और हम लोगों को थोड़ा ये लगता है कि इसमें लड़कियां बोलती बोलते कि हम थोड़ा पीछे रह गए इसमें एक दो बार जब भी हमने किया शाम को तो लड़कियां पीछे रह गए इसमें आई नहीं तो हमने कहा भाई दोपहर को रखते हैं ठीक है छोटू नहीं नहीं देविया है भाई हम हमारे जीवन में देवियों ने बहुत सपोर्ट किया है आशीर्वाद रखा है चले बच्चों शुरू करें फिर इसलिए भाई पांच बहनें हमारे यहाँ हम ये सोचते हैं पता नहीं बहनों के कर्म से ही हमें कुछ दिया हो भगवान ने और आगे इतने सारे स्टूडेंट देवियों के रूप में मिली हमें पता नहीं किसकी किस्मत क्या खाना को दिला रही हो पर लड़के भी बढ़िया ऐसा नहीं है कि भाई लड़कों के लिए बोल दिया लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कियों को भाई देवी का ही रूप माना गया है कोई परंपरा भी है <laughs> राक्षस बाकी हो ना हो लेकिन कहा गया है छोटा रजब रजब नहीं है राक्षस ये कह रहा था ये सही है चलिए जी अच्छा महसूस कर रहे हो अच्छा महसूस कर रहे हो वेरी गुड तो आज फिर ज्यादा सवाल नहीं दो घंटे में वही कल तो एक बच्चे ने हमारी YouTube पे भेज दी मार दी भाई हम पढ़ा रहे बच्चे कह रहे रह ये तो मास्टर बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है जिनको जैसे बच्चों को समझा रहा हूँ मैं को बच्चों को तो समझा रहा हूँ भाई मैं गलती से अगर तूने मेरी फास्ट मोड में क्लासेस देख ली जिसमें आठ घंटे नौ घंटे में ले मशीन पावर सिस्टम एक पूरी अड़तालीस घंटे की ऐसी क्लास है जिसमें पूरा इलेक्ट्रिकल ख़त्म है तो मैंने कहा गलती से हमें देख मत लेना नहीं तो चक्र आ जाओगे चलो बच्चों फिर वही कंडीशन है आज हमारी कि सवाल को देखो आपकी कमी हमने बता दी तुम्हारी कमी है यूनिट में प्रॉब्लम मतलब ऑप्शन के यूनिट को नहीं देखना ऑप्शन को नहीं समझना सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ना ये आपकी मेजर प्रॉब्लम है नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है कंटेंट आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है चलो जी देखो तो जहां से जिस सिलसिले पर हमने छोड़ा था कुछ ऐसा ही आज फिर शुरू हो गया नहीं माय डियर मैंने ऑप्शन पूछा है नॉलेज नहीं पूछी तो प्लीज नहीं तो मैं मारना शुरू करूंगा अब मुझे ऑप्शन चाहिए ना कि ये कहानी आप मैंने कहा ना नॉलेज है लेकिन ऑप्शन प्लीज चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएल टी जी टू के ही देख सकते हैं चलिए बातें नहीं क्योंकि एक दूसरा साथ रह जाएगा एग्जाम में अपने नॉलेज का यूज करिए ऑप्शन पढ़िए टाइम लग रहा है लगने दो लेकिन सही करो <coughs> ट्रांसफॉर्म देखो है ना बड़ा नॉर्मल सा सवाल था था सबने रट्टा मार रखा है थिकनेस 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 है भी ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेटली नन ऑफ दीज है तो उसको भी कंसिडर करो ये भी हो सकता है है ना ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त लेमिनेशन की मोटाई सामान्यतः कर लिया आप लोगों ने नन ऑफ दीज आ गया तुम्हारा अब भी नन ऑफ ओनली वन हाँ अब देखो सुन लो मेरी बात पहली बात तो ये कि लेमिनेशन क्यों करते हैं एडी करंट लॉस को बहुत सुंदर बात है पतली लेमिनेशन करते हैं मोटी करेंगे लॉसेस बढ़ेंगे हमने कहा ना जो ज्यादा स्मार्ट समझ रहा हो वो जमीन पे आ जाएगा हमारे क्लास देख के अब नालायक को एक बात बताओ मतलब यही होता है ना पॉइंट फोर पॉइंट थ्री फाइव एम एम से पॉइंट फाइव एम एम क्या हुआ ओम ये था बताओ हम कहा गलत है हाँ हाँ तो हाँ दशमलव लो ये थोड़ा ना दशमलव थ्री फाइव एम एम से दसमलो पांच एमएम ये इसके पास वाली क्या हुई वैल्यू वो पता है कई किताबों में दसमलो चार एमएम से दसमलो पांच तो बीच में ही है कहीं इससे बाहर थोड़ा ना है बताओ जी अब नन ऑफ दीज वाले जाओ ठीक है जी ये था सवाल तो इसीलिए आपसे प्रार्थना और निवेदन है भावुक मत हो जाओ हमने भी कसम खा ली कि जो तुम्हारी कमी है हम भी इसे क... दूर करवाएंगे अब देखो ना था कि नहीं भाई ये तो कम से कम याद हो ही सकता है यार ये तो है भी तुम्हें याद क्योंकि तुमने बोला सवाल देखते ही तो याद तो था हाँ भाई अरुण अरे सही तो मैंने बताया ना तुम तो अटक गए गाड़ी चलो नेक्स्ट सवाल है क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ लिया आप ट्रांसफॉर्मर को ही थोड़ा घुमा के सवाल दे दिए और जल्दी ना करो एक घंटे में तुम दस बताओगे मैं खुश हूं प्लीज इतने होशियार ना बनो सवाल पढ़ो ऑप्शन पढ़ो उसके बाद उत्तर करो हाँ साहब सिंह जी तुम भटकती आत्मा हो सही बताए ना ये कौन सा तेरा सही था कि छोटे चैप्टर ये छोटा क्या है बताओ छोटा और बड़ा चैप्टर ये नई परिभाषा मत दो तो अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ नहीं तो टाइम वेस्ट ना कर फिर हम तेरे लिए नहीं बने बी डी ओ जालिमो देखो वर्किंग प्रिंसिपल पर जब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मर के तो हाँ भाई राकेश क्या होगा एक बात हैं डी होगा एक बात बताऊं हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है यूपी पीसल इस बार तुम्हारी रेल बनाएगा इनमें टीजी टू में यही नोट वाले नोट वैलिड इनकरेक्ट नोट रूल रोल रोल और स्टेटमेंट यही फंसेंगे तो अपना पहले मेहनत करके जाओ और तुम सुन नहीं रहे अरे फेरेडेज इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा जी यही है भाई ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहां से आ गया तो मोटर की डायरेक्शन निकालने के लिए था ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये बैटरी में होता है है ना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के दो नियम अब दिमाग में लाओ पिक्चर ई बराबर <coughs> एम बराबर जेड आई टी और दूसरा एम प्रोपोर्शनल टू ई लिखवाए ठीक है फेरेडेज इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं हमने बदल दिया शब्द ये भाई इलेक्ट्रो डायनामिक्स मतलब घूमने वाला ऐसा थोड़ा ना ये ये नॉट इन वैलिड क्या पूछा नॉट इनवैलिड शब्द का मतलब इनमें से तो कोई भी नहीं करेक्ट तो जब इनमें से कोई करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन है यही किया ना आप लोगों ने वेरी गुड बहुत अच्छे तो सवालों को बस पढ़ना है अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करना है हाँ जी सर हाँ हाँ अभी मैं क्लास में हूं फ्री होते ही मैं आपको रिवर्ट करता हूं ओके 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 चलो जी देखो अब हमें बताना है एकदम मार्केट में नए सवाल है मार्केट में फर्स्ट क्लास सवाल है नए हैं तरोताजा है तरो देख में जरा भाई एक बात बताना बच्चों देखो ना कलाकारी क्या है भयंकर सर इसमें ये भी होगा भाई कुछ भी मतलब देखो ना वो लिख रहा बड़े बड़े मैसेज कर रहा भाई और दिल बना रहा चीर चार के दिखा रहा दिल को भाई कहां से हो गया यार ये मतलब कुछ भी चल रहा यार अबे जीरो यहां थी अगर तू तो सेंटीमीटर में भी करता तो दो जीरो तो तब भी लगाता अगर सेंटीमीटर में लिखता तो दशमलव जीरो जीरो सेंटीमीटर से दशमलव जीरो जीरो सेंटीमीटर और इसमें तो और कलाकारी है दशमलव पांच सेंटीमीटर दे दिया तो ये कैसे हो गया सही अब वही है ना पता नहीं कौन सा ब्रांड का ले रहे हो चौबीस घंटे में भी ना उतरती भाई सर्दी चल रही मान लिया रात इस समय ली हो किसी ने दो घूंट तो अब तक तो उतर जानी चाहिए थी अब तक भी नहीं उतर रही पढ़ो देखो कितना प्यारा सवाल है बहुत मस्त सवाल है एकदम नया फ्रेश मार्केट में ये कुछ ऐसी वैरायटी जो बेचारे ओम के नियम से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे और ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हमने कहा ना मार्केट में नए सवाल एक भी कॉपी नहीं मिलेगा किसी किताब से ए भाई ये क्या है वही है वही है वो लिखा है ना अंग्रेजी को सही माने जब विद्युतीयता तो इसका मतलब हम परमिटिविटी की बात करें जब चुंबकीय तो हम परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं लेकिन ऊपर ये भी तो सिद्ध करो देखो ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ डायनामिक डिवाइस हमें गलत बता ये सही हो गया नॉट डायनामिक तो तो सही कह रहा है ना ये तो स्टेटिक है मतलब सही है जी ये ये पहले मना कर रहा कि नहीं है डायनामिक बी देखो ये कह रहा है कि मैक्सिमम इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर है ना वेरी गुड सही है तो बेटा आप ये आर एम एस लिखा करते हो फोर पॉइंट फोर फोर फाइव एम एफ और एन वन ये आर एम एस है आर एम एस को यदि आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो इसी को यदि आप मैक्सिमम लिखोगे ना अब देखो हमने क्यों लिया ये ये शब्द क्यों लिया ऑलरेडी ये एवरेज पूछ लिया इसने अब तक पेपर में तो एवरेज बच्चों ने रट लिया ना आर भी रट लिया अब बचा क्या मैक्सिमम ऑप्शन ए में ये देगा ये भी ऑब्जेक्टिव है यार ऑप्शन ए में क्या देगा फोर रट लिया बी में फोर पॉइंट फोर फोर और बच्चे टूट पड़े ए से बचेगा बी घेर लेगा ये कह रहा है मैक्सिमम तो मैक्सिमम है रूट टू गुणा फोर पॉइंट फोर फोर फाइव एम रूट टू से गुणा करके देख भाई इसमें कितना आ गया सिक्स पॉइंट टू एट फाइव एम एन वन ये कब है मैक्सिमम के लिए सही है नया मिला कुछ ये हो गया ये सही है फिर ये कह रहा है आदर्श ट्रांसफॉर्मर की कोर अनंत परमिटिविटी नहीं रखती परमेबिलिटी ब्लेटी रखती है ठीक है जी तो ये गलत है और हमें गलत ही स्टेटमेंट को बेटा पकड़ना था ये है अब देखो सवाल को ऑप्शन में तो सी या तीसरा सही हो गया था लेकिन नया मार्केट में क्या है दोस्त कि ये, ये है आर है आरएमएस और अगर एवरेज देखें ये दो आ चुके क्योंकि फोर फाइव एम एफ और एन वन ये भी आ चुका ये भी ये नया है जी ये नया मसाला एक्यूरेसी बढ़िया रखो बस ठीक है भाई चले क्या आगे हाँ जी दो घंटे का ऐसा सेशन हो जाएगा कि तुम्हें नींद ना आए पूरी रात भर अगर शर्मदार बच्चे हो कुछ सवाल पढ़ो ये देखो ना हे भगवान हे भगवान सतबुद्धि सतबुद्धि सत हाँ भाई हमारा गलत है भाई पहला सवाल हमारा गलत है भाई इस बच्चे का सही कर लो पता नहीं भाई किस मास्टर से गणित पढ़े बेचारे मास्टर की गलती भाई।, भाई चलो एक बार और वेरीफाई कर लो मैं दिखना शायद कम हो गया हो भाई भाई ये सवाल ये बताओ ये कह रहा कि उत्तर ये कह रहा है कि देखो शायद ये भावुक है ये ये था ये हमने इसे ये मीटर में लिख दिया अच्छा चलो अच्छा सेंटीमीटर में तो पूछ ही नहीं रहा था मीटर में ही तो था ये था ये कह रहा है कि उत्तर इसका बी है मतलब ये वाला ये ये टू है ये मैं क्यों लगाऊं अगर मैं सेंटीमीटर में, में मेंशन करता तो ये एम में है तो मैं चल ठीक है मैं यही तो लिखता देख शायद ये इसलिए कंफ्यूज हो मैं ये लिखता कि वो एम एम से सेंटीमीटर में ये जाता तो यार ये ये इसमें नहीं है ना ये इसे देख ही नहीं रहा हमने क्या आकर रखा कि यहां तो चल ठीक है लेकिन यहां तो नहीं है अब वो इसे पकड़ नहीं रहा बात को वो वही लिखे जा रहा कि ऑप्शन टू भी सही है ये भी सही है ये क्या नहीं देख रहा दसम्भ पांच नहीं देख रहा देख भाई दसमलो पांच है ना कि अगर ये होता तो ठीक था हमने इसी चीज इसी यही तो इलाज किया कि जो भावुक हो जाएगा ये गड़बड़ करेगा अब वो हो गया वो मान नहीं रहा जिद कर रहा ना जी ये था ये था यही तो कह रहा कि सौ परसेंट वो होगा तुम अपना उत्तर करो ये भाई हम आपके लिए बने ही नहीं हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हम आपके लिए नहीं बने अबे जबरदस्ती जब सेंटीमीटर में ऑप्शन कोई है ही नहीं तो मुझे खुजली हो रही है क्योंकि मैं सेंटीमीटर में लिखूं ऑप्शन मतलब जबरदस्ती मैं सेंटीमीटर क्यों लिखूं जब ऑप्शन है ही नहीं मैं तो मीटर में दे रखा है तो मुझे खुजली हो रही निकल लो आ तो क्या इलाज करो मैं कौन सा मैंने कुछ उधार ले रखा इतने बढ़िया सवाल क्यों डिस्टर्ब करे अपने बच्चों को इधर पढ़ाने के लिए आए ना हम तो मस्त मस्त सवाल है हमारे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आर नॉट यूज स्टेप अप को हम किस लिए इस्तेमाल नहीं करते है जी ओके भाई बच्चों एक बात बताओ स्टेप अप बढ़ाना डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर कह रहा है तुम्हें सिखाई क्या अरे सिखाया ना इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इंक्रीजिंग ये देखो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर नॉट यूज इसके लिए तो नहीं करते वन के लिए नहीं करते ना नहीं करते इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बढ़ाने के लिए करते हैं डिक्रीजिंग वोल्टेज लेवल के लिए नहीं करते तो पहले के और तीसरे के लिए तो नहीं करते तो भाई उत्तर दूसरा नहीं पहला और तीसरा था ये। थोड़ा सही लगा वेरी गुड यहां आ जाओ देखो बट ट्रांसफॉर्मर सिंक्रोना डीसी सब है सवाल ना हमारे हमने कहा के तीस लगाओ फिट मामला मशीन में सेकेंडरी वाइंडिंग है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है बेटा देखो यार पहले स्टेपअप को भी लिखेंगे पूरा ना स्टेपअप का मतलब होता है वोल्टेज ज्यादा बेटा ठीक है वोल्टेज ज्यादा धारा कम यही होता है धारा कम का मतलब है यार बच्चों प्रतिरोध अरे होना चाहिए ना प्रतिरोध या प्रतिबाधा ज्यादा करेंगे अच्छा जी प्रतिरोध ज्यादा अगर करें तो R बराबर में रो एल बाई ए करेंगे प्रतिरोध ज्यादा का मतलब ये कम ये ज्यादा है ना अच्छा जी यानी कि हम कैसा थिन वायर यूज करते हैं क्या यूज करते हैं थिन वायर पतला तार कर रहे हैं अच्छा भाई बच्चों, अब स्टेप अप में ज्यादा टर्न घुमाने पड़ेंगे अच्छा तो थिन वायर और ज्यादा ये तो स्टेप अप है बच्चों। अच्छा जी फिर ले लो स्टेप डाउन तो आपको पेपर में स्टेप डाउन से ही करना लेकिन मैं जो सिखाना है तुम्हें तो स्टेप अप के, के स्टेप डाउन दोनों बता दूं वोल्टेज कम अच्छा जी धारा ज्यादा प्रतिरोध कम मोटा तार ठेकवा मोटा तार लेकिन कम तार यही तो है पहला दे रहा है देखो स्टेप डाउन में ये याद रखना है यही तो है रो एलअपन ए प्रतिरोध क्या आना चाहिए बेटा कम कम तब आएगा जब ये मोटा और स्टेप डाउन है तो कम टर्न बनाने पड़ेंगे नहीं तो स्टेप अप हो जाएगा तो पहला था ट्रू बताना है लेस टर्न ऑफ थिक वायर बेटा सेट दूसरा स्टेप डाउन की बात हो रही है ना फिर चलो नेक्स्ट मोर टर्न ऑफ थिन वायर ये तो स्टेप अप की थी गलत है फिर कह रहे हैं मोर टर्न ऑफ थिक वायर हो गया जी तो मोर टर्न ऑफ थिक वायर गलत तो हमारा जो सही आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वन आया अब इसमें वन का कोई और कॉम्बिनेशन वन और थ्री गलत है थ्री गलत है वन और टू सारे कॉम्बिनेशन गलत है तो इसलिए क्या नन ऑफ दीज इसलिए दे रखा है नन ऑफ भाई नन ऑफ दीज का मतलब है ना ये पूरा करेक्ट है ना ये ना ये ना फिट बैठता है ये तो अब कह नन ऑफ दीज ऑप्शन <laughs> तो वही मैं कह रहा हूं ना वही हम कह रहे भैया वन है वन किसी में दे नहीं रखा कॉम्बिनेशन में अकेला वन तो क्या टिक करना है डी पीडीएफ नहीं देते हम ठीक है भाई कर लोगे क्योंकि इतना टाइम मैं दे रहा हूं सवाल में बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा अरे स्क्रीनशॉट भी तो होता है वही खींच लो लिख भी सकता है इतना टाइम तो दे रहा हूँ इनका बस चले तो गुरु जी पेपर भी दिया हो, यहां सेंटर हाँ आजकल बच्चा वही तो लाचार महसूस कर रहा है अपने आप को चलो जी सवाल सुन लो एक ट्रांसफॉर्मर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है देखो कितना प्यार से सेट किया ना सवाल <laughs> सर ऑप्शन में क्यों इतना कंफ्यूजन दिया है क्योंकि रट्टा मारने वालों का इलाज हो गया मोटा ही अलग अलग बेटा वॉल्यूम समान हुआ करता है आजकल कर क्योंकि वो जमाने चले गए ना जब गोले सुंदर भर के आ जाओ नौकरी पे बुला लेते थे भाई देखो क्लियर है बच्चों कोई अगर तुम्हें अभी ये कहे कि भाई बह ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी है लोअर इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है टॉर्क तो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर है तो ये डायरेक्ट पूछने का तरीका एग्जामर ने बदल लिया और ये अब से नहीं एक साल से बदल चुका अलग अलग जेई के एग्जाम में अलग अलग आई के एग्जाम में एक साल में बदल चुका लास्ट टाइम तुमने शायद देखा नहीं डीएफसी के पेपर में भी बदल चुका था तभी आई बच्चों को बहुत टफ लगा पेपर तो वो आपका मूर्ख बना रहा है जो आपको सीधे भाई इक्वेशन बस ये है। अरे यार चला गया मामला भाई अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ यार इस ये चला गया फिर बच्चे कहते हैं आपने बुराई कर दी मैं हरकतें ऐसी तो क्या तारीफ करो अब पढ़ो अब करो अब देखो भाई हमने ये पढ़ा है कि बेटा लीडिंग पर लीडिंग एकमात्र ऐसा है जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो मिल सकता है यही तो तीनों मिलेंगे किस पे? किसपे अब जीरो के लिए शर्त है फाइव बराबर टेन इनवर्स आर बाई जब तक यह एंगल लीडिंग में नहीं मिलेगा तब तक हमें पॉजिटिव मिलता रहेगा इस पर जीरो मिलेगा और इससे बड़ा एंगल अगर लीड हो गया तो नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा तो देखो बेटा इसमें पूछा है नॉट इन करेक्ट नॉट इन करेक्ट का मतलब है सही अब सही देखिए कहां दे रहा है नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव किसमें है ऑल ऑफ दीज अब ये देखो ऑल ऑफ दीज नीचे कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है तो ये कर रहा है डी है जी आएगा आए आ चुका अभी शायद तुमने फिर ढंग से नहीं दिया आएंगे क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ ही लिया तुमने इसी का तो है बस हमने डायरेक्ट हमने डायरेक्ट भी पूछा है तुम्हें खुश रखना हमारा परम कर्तव्य देखो हमने डायरेक्ट भी ये नहीं है डायरेक्ट ये तो तुम्हें हवा हवाई उड़ जाएगा ये डायरेक्ट नहीं है देखो फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंसुलेटिंग ऑयल शुड बी मोर देन है नन ऑफ दिस देखो फिर हमने कहा नहीं पढ़ना ये कैलविन में है वो डिग्री में है और जब कैल्विन से डिग्री में जाएंगे तो माइनस दो सौ करिए तो देखो जी 413 में से या फिर 160 में सीधे सीधे दो को जोड़ लीजिए तो तीन हो गया छह छह बारह और एक कितना मिल गया जी 13 और 400 ये मिल गया ठीक है एक तो 160 है और कितना है 140 से 160 यही तो लिखा रखा फ्लैश पॉइंट तो 140 में देखो दो कितना आ गया 413 ये किस में आएगा लविन तो फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल 140 से 160 ये तो लिखा रखा तुम्हें तो दोस्त एक ही ऑप्शन है नीज नहीं कैलविन 413 सौ ये था फंस गए तो कहेगा डी 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 के पीछे पड़ जाओ अच्छा ये बताओ अगर इसी सवाल को मैं नॉर्मल डिग्री में देता डिग्री सेल्सियस में तो कितने लोग थे जो गलत करते सबने रट्टा मार रखा एक सौ 160 एक सौ तो हमने कैसे अब रट्टा वालों को और नॉलेज वाले को और एक्यूरेट दिमाग वाले को कैसे अलग कर सकते हैं यहां आ जाओ इसमें से देखो इतने से कॉन्सेप्ट पर 80 परसेंट लोग डी करके आएंगे नन ऑफ दीज़ है हमने गलती है यस 140 भी करके आएंगे और खुश हो जाएंगे कि 140 फोर्टी ऑप्शन जी मजा आ गया और अगर 160 भी दे दिए होते तो फिर तो ये मतलब था कि थोड़ा भगाया पानी पिलाया फिर मार दी फिर तो ये हालत थी फिर तो उसे लगता तो सवाल ही गलत है फिर 160 भी मार के आते और खुश हो जाते तो इसलिए एक्यूरेसी बढ़िया रखो चलो जी अब हमने देखो तुम्हारे ये चेहरे उदास से हमसे देखे नहीं जा रहे थे तो हमने आसान रखा बेटा सवाल मुश्किल नहीं आते ऑप्शन उसके मुश्किल बना देते हैं डीआरडीओ में मुझे तो पता नहीं पेपर में कैसे आएंगे दोस्त क्योंकि मैंने पेपर बनाया नहीं वो लोग कुछ अलग है जो रिजल्ट से पहले मैरिट दे देते हैं और पेपर होने से पहले पेपर बता देते हैं मुझे नहीं पता करेगा क्या है लीडिंग और जीरो की कंडीशन वही फाइव बराबर टेन इनवर्स आर बाई एक्स ठीक है भाई बच्चों और जब लीडिंग हम लिखते भी है तो आर पर यूनिट कॉस फाइव माइनस साइन फाइव तो यहां माइनस आ जाता है लीडिंग के लिए ठीक है जी तो अब सीधे सीधे ये बहुत कम चांस है सीधे सीधे पूछने का चांस कम है चलो भाई इस पे आ जाओ देखो अच्छा आइडल ट्रांसफॉर्मर आईटीआई का कौन बच्चा नहीं पढ़ता जब सिलेबस शुरू होता आइडल नो लोड यही तो पढ़ता है हमने सारी आइडल की ही कंडीशन दी है लेकिन उन्हें हमने अलग रूप में प्रस्तुत किया है देखो सारी वही शर्त है चलो भाई बच्चों आ जाओ पढ़ो प्रॉपर आराम से एकदम रिलैक्स होके आई लव यू भूमिका भी लड़की कौन है ये आई लव यू सीमा ए भाई अबे कौन है वो ओ चलो चलो लगे रहो हाँ लगे रहो लगे रहो हमारे इधर भी एक भर्ती खाली है भाई एक सफाई वाले की जरूरत है ठीक है यही हरकतें करोगे तो यही काम करोगे हम्म आइडल ट्रांसफॉर्मर है बैठाओ अपने दिमाग में पक्का भी चलो लेकिन नॉट इन करेक्ट यानी कि सही जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट परमेबिलिटी और जीरो लीकेज तो पहला दूसरा और तीसरा तालियाली आप लोगों ने बहुत भयंकर उत्तर कर दिया उत्तर क्या है बी हमने पढ़ाया ना देखो आइडल ही लेकिन आइडल को थोड़ा सा अलग रूप में पूछ लिया है ठीक है भाई तो तैयार हो ऐसे सिचुएशन में हाँ एक बच्चा कह रहा है कि भगवान करे ऐसे सवाल ना आए पेपर में लेकिन मैं तुम्हारे बोलने से क्या होता है ऐसे तो मैंने कहा हमारा ये भी बोल रहा राजा साहब इससे क्या होता है भाई जो नहीं आता सिलेबस का हिस्सा था वो भी है क्यों नहीं पूछ सकता देखिए एक चीज और याद रखना जब हम नो लोड पे बात करते हैं ना तो आई नॉट बराबर में आई एम होता है और ये वी वन होता है तो नो लोड पर जब हम आइडल को चलाते हैं तो ये एंगल नब्बे बनता है और पावर फैक्टर जीरो लैगिंग आता है ठीक है भाई चलो आ, मेरे शेर बहुत इंटेलिजेंट है ऐसी बात नहीं है, और शेर भी और शेर नहीं अभी अब इसका उत्तर एकदम तो तो सही बताएंगे लेकिन पढ़ना है अच्छे से अभी हो भाई प्लीज मैंने कहा ना नॉलेज है ऑप्शन हमने कहा तुम्हें नॉलेज है हम कह रहे हैं कि एक सवाल है उसके जरिए अपने नॉलेज को साबित करिए इंसुलेटिंग तेल पर कौन सा परीक्षण किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म ऑन इंसुलेटिंग ऑयल इंसुलेटिंग ऑयल पर ठीक है किया जाता है अब ये कह रहा है नॉट ट्रू अब ये कह रहा है जी इनकरेक्ट बताना है. है जी चलो भाई ईमानदार से बताओ हम इंसुलेटिंग ऑयल पर क्या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं नो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं बेटा कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए क्रैकल करते हैं क्रैकल का, का काम क्या होता है नमी का पता नमी के लिए करते मॉइस्चर के लिए करते हैं ना ये तो करते हैं बैक टू बैक टेम्परेचर कुछ इसी प्रकार से यह है लेकिन ये हम मोटर पे करवाते हैं इस पे नहीं या इसका नाम फिर यह बैक टू बैक बोलो ठीक है भाई अच्छा तो ये भी नहीं करवाते ना तो पहला तीसरा और चौथा नहीं करवाते तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो नहीं करवाते मतलब असत्य पूछा है नॉट ट्रू तो क्या है ऑप्शन में पहला तीसरा और ये था ठीक है क्रैकल ऐसी होती है ना जैसे तुमने तेल गरम करना रख दिया चमचे पे थोड़ा तेल लग रहा है वो पानी लग रहा है और तुम अचानक से उबलते हुए तेल में रख दो चढ़ 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 नहीं हो ये क्रैकल नमी का पता मैं। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं थोड़ी देर और रुको आवाज भी बंद हो जाएगी और थोड़ी सी देर और रुक गए तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा कोई नहीं ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं लाइफ में ना जीवन में कोई दिक्कत नहीं चले भाई बच्चों फिर देखो एक प्यारा सा सवाल आपका ट्रांसफॉर्मर का ये है ठीक है भाई चलो पढ़िए कि ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है ठीक है इज इनकरेक्ट बेटा हमें हमें इनकरेक्ट बताना है मान पढ़ने वाली है अगर गलत बताए तो बताइए हमें बेटा इनकरेक्ट बताना है ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है बताइए ऑप्शन बताने ये पढ़ो और ऑप्शन बताओ कौन सा सही जाएगा सी यानी कि दूसरा और तीसरा यानी सी ऑप्शन है कितने लोगों का सी है सभी का सी है अब सी ही गलत है ये कह रहा नहीं है क्या ये लीनियर है लिनियर तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट तो लिनियर नहीं होता एक्टिव नहीं होता तो पहला और तीसरा ही तो इनकरेक्ट है तो पहला और तीसरा ढूंढो जरा कहा इसमें ढूंढो तो भाई ये भी तो हमने कर रखे इसमें दो दो भी सही है हैं मल... फिर वही ये ढूंढा ही नहीं देखो इनकरेक्ट बताना है क्या ये लीनियर होता है इनकरेक्ट हो गया एक तो इन करेक्ट है लॉन्ग लीनियर होता है ये करेक्ट है एक्टिव नहीं होता इन करेक्ट है ये करेक्ट है तो सही ऑप्शन है ई पहला और तीसरा नहीं है यही था चीटिक नहीं है हमें पता कि रटी हुई चीजें कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होंगे देखो तुम ऑप्शन मिलाने के लिए तुम ऑप्शन सी कहोगे यार टू और थ्री यार एक्टिव कब से होने लग गया बताओ ट्रांसफॉर्मर एक्टिव है क्या डिलीवर थोड़ा ही अभी जनरेटर थोड़ा ही वो ट्रांसफॉर्मर है ये था उत्तर चार की चार सही भी हो सकते हैं ये भी याद रखना हाँ तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ के उत्तर दो जब भी तुम्हारे पर निकलते तभी काट दूंगा बेटा पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और दिमाग चलाने के अलावा इतना दिमाग इतना चंचल दिमाग तुम्हारा मेडिटेशन करने से नहीं होगा जितना ये सवाल करने से होगा करो ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने पर किसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है विच इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड किसे शॉर्ट सर्किट करेंगे विच इज टू बी शॉर्ट सर्किट और परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसे हम शॉर्ट करेंगे अब नीचे क्या है? जी नॉट वैलिड बताओ नॉट वैलिड ए भाई नॉट वैलिड मतलब गलत वैलिड नहीं है मतलब कि गलत पूछ रहा है अब नहीं मुझे मत बताओ ऑप्शन बताओ इसमें नहीं है ई ऑप्शन नहीं है इसमें चार में से उत्तर है और नालायक. लायक यार याद करो हाई वोल्टेज साइड को नहीं देख लो जो तुम कर सकते हो नॉट वैलिड ओनली वन मतलब वन प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे कुछ है मामला ऑल ऑफ दिस होगा शाबाश बता बताओ नहीं चलो ये है अच्छा सही बताओ आप ये करते हो कि हाई वोल्टेज साइड पर इक्विपमेंट लगाते हो तो ये ये वाटमीटर लगा दिया आपने और लो वोल्टेज साइड को लगाकर ये शॉर्ट कर दिया आइए इसे हम फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज के लिए करवाते हैं 12 से 15 है जी देखो तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें आज हम दुश्मन लगेंगे कि गुरु जी ने दुखी कर लिया लेकिन तुम्हें जगाने के लिए है और कुछ नहीं और ये सेशन हमारे लिए नहीं है तुम लोगों के लिए ही है ये भी दिमाग में सेट रखो क्योंकि हमें अपने पूरे परिवेश को देखना है अपने टेक्निकल में हमने कहा जी सर हम लो वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं अच्छा हमें गलत बताना है हाई वोल्टेज साइड को आप शॉर्ट नहीं, नहीं करते ना ओके गलत है तो यहां रख लिया आपने ये अपना गलत था जी ठीक है भाई बच्चों अब एक बात बताओ यार क्या हमने टेस्टिंग करते समय तुम्हारे प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ाई नहीं, नहीं पढ़ाई तो ये भी गलत है ये भी गलत है तो ये सारे के सारे ही गलत है भाई प्राइमरी सेकेंडरी तो सिखाई नहीं तो ये सारे के सारे ही गलत है तो ये देखो बी भी कर रहे उत्तर ए भी कर रहे ए ए में देखो क्या दूसरा तीसरा भाई आज तक किसी राइटर ने किताब में किसी मास्टर ने तुम्हें सिखाया हो किसी ने भी इंडिया में कि इसे लो या इसे सॉरी प्राइमरी साइड कहते इसे सेकेंडरी है भाई ये कोई मैटर था ही नहीं वाइडनिंग की पहचान थी हाई और लो से ये तो प्राइमरी सेकेंडरी किसी ने भी नहीं पढ़ाया बदनाम कर रखा बेचारों को तो क्या था ये सारे के सारे हमारे गलत थे क्यों हम पढ़ते तो हैं कि लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर देते हैं और हाई वोल्टेज साइड पर इक्विपमेंट लगा देते हैं वेरिएबल वोल्टेज लगाते हैं बारह से पंद्रह परसेंट रेटेड वोल्टेज पर परफॉर्म करवाते हैं सब लिखा रखा है चलो जी कोर इज नॉट वैलिड फॉर ट्रांसफॉर्म बेटा किस प्रकार की जो कोर है वो ट्रांसफॉर्मर के लिए वैलिड नहीं है वैलिड नहीं है मतलब सही नहीं है को भाई ब्राइटनेस मुझे पता नहीं देखो अब मुझे पता नहीं ब्राइटनेस कहाँ से होगा सुबह से क्लास चल रही है सब आराम से पढ़ रहे हैं तुम्हें ही हो रही है अलग तकलीफ ये बेटा ट्रांसफार्मर की कोर से संबंधित इनमें वैलिड नहीं है तो ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है कोल्ड देखो आपको लग रहा हो सर फेरिट और एयर अगर वो लिखता कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर वो स्पेशल केस इंज है नॉर्मली ट्रांसफार्मर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील तो ना तो हम नॉर्मल ये बनाते ना ये बनाते अब कोई बच्चे सिलिकॉन स्टील नहीं दोस्त सिलिकॉन स्टील कंटेंट को मिलाकर लेमिनेशन करने से हाई स्ट्रेसिस और रेडीकरण लॉस दोनों कम हो जाते हैं तो सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है हाई स्ट्रेसिस लॉसिस को कम करने के लिए कोर जो बनाते हैं किसकी बनाते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील याद है तो हम कहते हैं सर ये कोई भी वैलिड नहीं है और कोई भी वैलिड नहीं है इसलिए सर हम डी उत्तर कर देते हैं ठीक है भाई यही करना था हमें क्या नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में नहीं बनाते वो तो बहुत लिमिटेड में जब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करवाने हो ना तब बनाते हैं तो ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर इसमें मेंशन करता उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर तब जाके कहते हैं नॉर्मल में तो यही कर रहे हैं ना हम लोग चलो जी सेलेक्ट द स्टेटमेंट कथनों को चुनिए और ये बताना है कि ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा टेस्ट अमान्य है यानी कि नहीं करवाते हैं नहीं मैं पेपर सेट नहीं करूंगा लेकिन आप देख लेना पेपर देकर आके हमें बता देना कि किस तरह के वर्तमान में सवाल आ रहे हैं उस तरह से जरूर बता देना ये कह रहे हैं सर आप पेपर सेट करोगे तो फेल कर दोगे हैं ये नहीं सोच रहे कि अगर ये पेपर सेट हो गया तो यही लोग पास होंगे अब वही है, है? क्या है मतलब यहाँ ये क्या दिखाई दिया डॉट पक्का है जी क्या है लक्ष्य है मतलब डॉट ना तो हम वही कह रहे कि किसी भी चीज को देखने का अपना अपना नजरिया है तुमने डॉट देखा ये पूरा व्हाइट भी तो है ये नहीं देगा ये भी तो है ना तुमने सिर्फ एक ही चीज को हिट कर लिया डॉट अगर मैं इसी में पूछता क्या देखा तो व्हाइट चीज ज्यादा है जो प्रतीक है सकारात्मक विचारधारा का काले को वैसे माना जाता है ऋणात्मक ये तुम्हें दिख गया ये इतनी सकारात्मक चीजें है नहीं तो अपना अपना नजरिया है देखने का कोई ये सोच सकता है कि सवाल मुश्किल लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूं कोई ये भी सोच सकता है कि अगर इस तरह के सवाल आ गए तो सिर्फ कुछ ही लोग कर पाएंगे तो सब खेल मानसिकता का ही तो है अब एक बात बताइए बेटा रेस में अगर हमें आगे निकलना है तो दूसरा व्यक्ति यदि प्रतिदिन दस किलोमीटर दौड़ने की प्रयास प्रैक्टिस कर रहा है यदि वो दस पूरी भीड़ प्रैक्टिस कर रही होगी तो आपका जीतना मुश्किल है आप अगर इससे थोड़ा यूनिक वे में प्रैक्टिस करें कि अगर वो दस चल रहा है तो मैं इससे एक कदम ज्यादा चल रहा हूं मैं ग्यारह चल रहा हूं तो दस तो तुम भागोगे ही लेकिन एक तुम उससे आगे हो अब यही हमारे यंगस्टर्स के साथ में मेजर प्रॉब्लम है यही समस्या है आज के जो हमारा एडुकेशन सिस्टम है पूरा ये इस प्रकार से डिजाइन है कि बच्चे को ट्रेंड किया गया है लाइक ए मशीन और बच्चे को उसके माता पिता ने ट्रेंड किया है सिर्फ एक नौकरी के लिए बचपन से एक ही कमांड दी गई है कि जीवन में जो भी है वो सिर्फ नौकरी है और बाकी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रोल हमारे पेरेंट्स ने माता पिताओं ने भी गलत अदा किया है बच्चे को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया उससे कभी जानने की इच्छा नहीं रखी क्या तू सरकारी में जाने का मूड में है क्या तू इतनी ऊर्जा के साथ कुछ और काम करेगा तो वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो बच्चा भी पिस रहा है अब यहां पिसते पिस्ते पहुंचा है तो यहां से रिवर्स गियर का ऑप्शन खत्म हो जाता है दोस्त क्यों पिसते पिसते पहुंचा है अब यहां आने के बाद भी वो वही तलाश रहा है कि लाइफ में शॉर्टकट में कुछ मिल जाए बस ठीक है क्योंकि शुरुआत से ही इसने जो चीजें की है वो पिछते पिस्ते ही की है जहां तक वही पहुंचा है तो यहां आकर एक ऐसा परिवेश में वो पहुंचता है जहां जीवन में उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि कुछ भी जुगाड़बाजी लगा के मैं नौकरी ले लूँ लेकिन मेहनत करने से भागते हैं और जब तक कोई भी व्यक्ति मात्र अपने कंफर्ट जोन से जाकर बाहर काम नहीं करेगा तब तक वो जीवन में एक लिमिटेड या एक दायरे के अंदर ही जीने की कोशिश भी करेगा और जिएगा भी जीवन भर एक ही दायरे में क्योंकि हमें ये पता है कि मैंने इसलिए आते ये बोला कि हम अगर इस दुनिया को अपने आप को सिद्ध करके हमें दिखाना है अब हम पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते ना ना ही अपने इस समय को हम पास्ट में ले जाकर चीजें बदल सकते हैं ये तो नहीं कर सकते अब यहां से आगे ही बढ़ने का ऑप्शन है और वो आगे बढ़ने का ऑप्शन क्या है कि जब माता पिता ने यहाँ तक भेज ही दिया दबाव उबाव डाल के तो इससे आगे फिर आगे बढ़ जाओ नौकरी ले लो लेकिन मैं फिर भी कुछ पेरेंट्स के लिए मुझे कई चीज़ों में बुरा भी लगता है कि आसपास के लोगों से या गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपने बच्चों के ऊपर भरोसा ही करना बंद कर दिया ये भी एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है कहीं ना कहीं हमें अपने हमारे पेरेंट्स को भी आप लोगों के पेरेंट्स को भी आज के युवा के पेरेंट्स को भी इस इस कठिनाई वाले लाइफ में जो कि कंपटीशन की लाइफ होती है ना जब इंसान को या बच्चे को सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो वो शायद टीचर से ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट कर सकता है टीचर नॉलेज में कर सकता है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें टीचर के बराबर आपके गार्जियन आपके बड़े भाई आपके पेरेंट्स आपकी बहनों का भी सपोर्ट बहुत आवश्यक है एट लेवल पर फाइनेंशली लेवल पर नहीं तो आजकल के हमारे पेरेंट्स भी कुछ उसी तरह के कंपटीशन में ढल चुके हैं कि हम अपने बच्चे से जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे कि यार तू तो किस लेवल पर है बस सुबह शाम धनाधन दन फोन भाई कब आ रहा तेरा रिजल्ट कब आ रही नौकरी कब आ रही भर्ती यार उससे दो मिनट प्यार से बात करके ये तो पूछो कि यार एक्चुअली उसकी हालत है क्या पढ़ तो रहा है ना तो कई जगह पर हमारे पेरेंट्स भी गड़बड़ कर रहे हैं इस कंपटीशन की दुनिया में अपने बच्चे को जबरदस्ती पीसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी बाहर आने की जरूरत है और खुले दिल से अपने बच्चे के साथ बात तो करो अब फोन करेंगे वैकेंसी कब आ रही तेरा रिजल्ट कब आ रहा तेरे नंबर कितने आ रहे इनसे बाहर आओ ना इसे दो तो मिनट प्यार से बात करो उसे कन्वेंस करो कि यू आर ए स्टार अपनी लाइफ में आप यूनिक हो और बेटा हमें तेरे ऊपर बेटे हमें तेरे ऊपर भरोसा है तो टेंशन मत ले अब नहीं करेगा लेकिन तू तो बहुत अच्छा करेगा जो भी करेगा उसे दो मिनट बोल के तो देखो वो पूरी रात भर दो दिन तक खुशी के मारे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेगा तो हमारे इस कंपटीशन के इस जमाने में अगर बच्चों का स्तर गिरा है ना तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी विचारधारा को बड़े अजीब तरीके से डेवलप किया है सोसाइटी के प्रेशर की वजह से और कई जगह तो यार ये रिश्तेदार सोनू का मामा टोनू का मामा सारा इन्होंने दिमाग खराब कर रखा बच्चों का ना कि अभी करे तो करे क्या घर वाले ऊपर से कि फलाने का लड़के का साले का बेटी डीएम बन गई यार तू भी तैयारी कर रहा अब भाई बन गई तो बन गई ना यार तुमने वो तो कंपैरिजन कर लिया ठीक है वो डीएम बन गई तो यार ये भी एक बार कंपैरिजन कर लो कि उसके पेरेंट्स ने उसे किस लेवल का सपोर्ट दिया होगा ये भी तो करो ना तो हम हर एक चीज में स्टूडेंट की तो गलती निकालते हैं लेकिन थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज सोचना चाहिए अब वही माइंडसेट बच्चे का बेटा यहां भी डेवलप है कंपटीशन में भी वो क्या चीज चाह रहा है ना वो उसने सकारात्मक चीजों को देखना ही बंद कर दिया उसने नजरिया पूरा का पूरा ऋणात्मक बना लिया सकारात्मक चीजें ही छोड़ दी इसे अब वही चीज नजर आने लगी ना उसने अपने आप को वैसे डाल दिया कि मुझे मेरे घर वाले चाह रहे हैं मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ भी जुगाड़बाजी लगा के ना चाहे रट्टा मारो कुछ मारो सीखने की इच्छा शक्ति खत्म कर दी क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है दबाव में फ्री माइंड नहीं है यार वो एक मिनट भी फ्री माइंड नहीं है चलो ठीक है टीचर ने डांटा बढ़िया यार मैं कई कई दिन से ये चीज महसूस भी कर रहा जब आप पेपर देने भी जा रहे हैं मैंने तुझे बोला घर मत जाओ क्योंकि मुझे पता है कि वहां से ना पॉजिटिव नहीं होता आदमी नेगेटिव होता है और मैं इसलिए बोलता भी हूं कि देखो आप कर तो अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए और अपने सपनों के लिए रहे हो ना लेकिन कई जगह हमें थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी जब तक तो नौकरी ना मिले क्योंकि वहां से हमें सिर्फ नेगेटिव चीजें आएंगी पॉजिटिव नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस है दूसरों से तो बच्चों ने पॉजिटिविटी को देखना ही बंद कर दिया यार पूरा नजरिया निगेटिव है और वही चीज कहीं ना कहीं क्लास में वही चीज एग्जाम में बेचारा घर बैठा यार सवाल लगा रहा है दिमाग में वो पैरेलल में एक चीज है कि आज पापा जी ने या मम्मी जी ने फोन करके ये बोला है कि तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है बेटा तेरी बहन की शादी होनी है ये होना है यार तुम उसे या तो तैयारी मत कराओ इसे बोल देते भाई तू भी अपना ये काम धाम जोड़ ले अपना ठेली ठाली लगा चाय बेच मोमो बेच अपना भाई पहले दिन से इनकम शुरू हो जाती अब तुमने तैयारी में भेजा ऊपर से तुमने और टेंशन घुसा दी कि भाई थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत है थोड़ा जल्दी कर ले यार ये चीज़ जल्दी की नहीं है कंपटीशन का भाई मिले तुरंत मिल जाए मिले ना तो इंतज़ार करना पड़ जाए तो जल्दी नहीं है हम तो इस चीज़ में पेरेंट्स को भी कहेंगे थोड़ा ध्यान रखो अपने बच्चों का क्योंकि लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो गए या परेशान हो गए बैक स्टेप ले बच्चे इससे बढ़िया उनसे बात करो खुले दिन से उनसे अच्छे से बात करो ट्रीट करो उन्हें बढ़िया से उन्हें समझाओ कि जीवन में नौकरी ही सब कुछ नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं यार तुम तो टेंशन मत ले उन्हें रिलैक्स फील कराओ फटाफट रिजल्ट देंगे फटाफट आएगा रिजल्ट कि वो प्रेशर में नहीं उन्हें पता है पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ में है और एक बार बढ़िया से बात कर ली तो तुम लोग खुश हो जाओगे बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि घर से थोड़ा कनेक्टिविटी में बिना दूरी बनाओ और रिश्तेदारों से दूरी बनाओ ये बड़े खतरनाक है लाइफ में जो सपोर्ट सिस्टर कर सकती है वो जो सपोर्ट पेरेंट्स कर सकते हैं उस लेवल का सपोर्ट आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फाइनेंशली तौर पे कर दिया बढ़िया जी लेकिन बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन है कि आपके पेरेंट्स दूसरों के सपनों को जबरदस्ती बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं वहां से एफिशिएंसी बच्चे की गिरती है ना कि बढ़ती है मेजर प्रॉब्लम यह है अब बोर्ड पे व्हाइट बनाया तुम्हें वो नहीं दिखा ये गोला दिखा यही है सोच का फर्क तुमने वो चीज देखनी बंद कर दी छोड़ दी तुमने वही चीजें देख रहे हो बस जिसकी तुम्हें आदत बना दी गई है और कुछ नहीं देख रहे हो आसपास कौन सा टेस्टिंग नहीं करते तो यही है कि जब 10 किलोमीटर बाकी सब लोग भाग रहे तो 10 तो हम चल रहे ना हम 11 चलेंगे ना अगर आ गया तो फोड़ के आएंगे यार पेपर को ये पॉजिटिविटी है इसीलिए हम हैं आप लोग हैं धीरे धीरे आगे चलिए कहीं से नेगेटिविटी आएगी तो हम खड़े हम पॉजिटिव करेंगे तुम्हें ये हमने ठेका ले रखा तुम्हारा कौन सा नहीं करते टेस्ट को नहीं करवाएंगे वो इनवैलिड है अब फटाफट बोलो बैक टू बैक टेस्ट ये एफिशिएंसी निकालने का डायरेक्ट मेथड ओपन सर्किट हाँ और कोर लॉसेस और शॉर्ट सर्किट कॉपर चलो जी बढ़िया सा सवाल देखो फिर ये है अब ये दिया है डी दि, ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ध्यान से पढ़ो चार ऑप्शन है एक सही है फिट करो फटाफट ओपन सर्किट टेस्ट देखो द हाई वोल्टेज साइड इज सप्लाइड एट रेटेड केवीए हाई को क्या करते हो रहे ओपन ये कह रहा है कि आप रेटेड केवीए दे रहे हो फिर आगे पढ़ो हाई वोल्टेज साइड इज सप्लाइड विद नो लोड करंट करते हो क्या अब नो लोड करंट कहा हाई पे तुम परफॉर्म ही नहीं करवाओगे लो वोल्टेज साइड इज सप्लाइड करंट एट हाई वोल्टेज देखो गलत हो गया लिख दिया लो वोल्टेज और साथ में भाई हाई वोल्टेज कैसे लो वोल्टेज साइड इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज क्योंकि जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है बेटा इसे लो वोल्टेज साइड पर तो हम करेंगे और रेटेड वोल्टेज पर ही परफॉर्म करवाएंगे तो सही क्या है बेटा डी हमारा हो गया यहां पर करेक्ट चलो जी बहुत अच्छा सवाल है कोई टेंशन नहीं आराम से पढ़ो उत्तर करो प्रॉपर कोई जल्दी नहीं जल्दी होती है शैतान की है आराम से पढ़ो टर्न कुछ ना लूप मानो और टर्न मानो फटाफट पड़ करके बताओ उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है देखो टर्न होता है ए भाई एक जाने का एक आने का यही तो टर्न है लूप मतलब जहाँ से शुरू घूम के वहीं तुमने नया नाम लिख दिया और कुछ नहीं करो करिए जल्दी से करो एक एक बच्चे को सही से आंसर करना है अरे तुम लोग शेरवेर भी कर दिया करो आई वन ऑप्शन देखो फिर बता रहा हूँ मैं ऑप्शन ए बी सी आर डी आठ ये है ना एन वन कितना है जी बत्तीस सो एन टू कितना है अठारह सो बेटा आई टू चाहिए ना तो एट पॉइंट नाइन गुणा बत्तीस बटे अट्ठारह सो यही तो करोगे रे अरे एन टू पे कम तो धारा ज्यादा होगी कितना है भाई आठ दो एंपियर ये बेटा क्योंकि ये में में है देखो। में है देखो ना तो प्यारे बच्चों ये भी में आएगा सिर्फ देखो क्या कलाकारी हुई है देखो जो फिर गलत करेगा एक बच्चा कह रहा पंद्रह दशमलव आठ दो मिली एम्पियर ये मिली एम्पियर कहां से आया जब हमने ये एम्पियर में दिया बोलो तो है जी देखो अब अब बच्चे कहां गलती करेंगे ऑप्शन ए देखेंगे यूनिट नहीं देखनी कल हमने क्या लिखाया था कि आपकी एक कमी है यूनिट को ना देखना उत्तर किसमें है एंपियर में वो क्या लगा रहा है बेचारा ये हो गया गलत वन पे टू नहीं है पंद्रह दशमलव आठ दो एंपियर गलत तो उत्तर क्या है नॉन दीज इस तरह के सवाल नहीं कर पा रहे अभी भी ए बी में ही आंसर लगा दे रहे ये गड़बड़ है ठीक है भाई चलो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ो चलिए प्यारे बच्चों यहां आ जाओ बहुत प्यारा सा सवाल है इजी है सॉल्व करिए फटाफट फड़ से कि देखो यदि एक ट्रांसफार्मर को डीसी देते हैं अब देखो डीसी देने वाले ना सवाल सबने रट रखा है कि डीसी देते हैं डीसी पे तो काम नहीं करता और जो प्राइमरी होती है वो जल जाया करती है है ना ये रट रखा हमने उन्हीं ऑप्शन को बेटा थोड़ा घुमा कर लिखा और कुछ नहीं नॉलेज आपकी कमाल की है बस उसको ऑप्शन को पढ़ के ढालना है और कुछ नहीं है देखो क्या है तो डैमेज द सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी पे तक तो जाता ही नहीं कुछ है? अब कह रहा है नॉट रॉन्ग नॉट रॉन्ग का मतलब है तो, ये तो है नहीं सही ऑपरेट विद लो फ्रिक्वेंसी ऐसा तो कुछ सिखाया ही नहीं क्या होती है प्राइमरी सिखाया तो अब बताओ हमने आपका जो सवाल अब तक डायरेक्ट आ रहा था हमने सिर्फ इसे कंफ्यूज करने के लिए दो तीन स्टेटमेंट में तोड़ा अब ये तीन कहा है देखो फिर बच्चे तीन का मतलब सी पे मार के आते हैं तो हमने कहा एक्यूरेसी तीन हमने कहा रखा ऑप्शन बी में देखो आसान है अब हमें क्या चीज सीखने को मिली है कि बस सवाल को हमें ढंग से पढ़ के ऑप्शन को देखना है और टिक लगाना है चले फिर नेक्स्ट चलो बेटा ये रहा देखो बहुत ही प्यारा सवाल है ज्यादा नहीं दुखी करूंगा तो मैं बढ़िया बढ़िया सवाल है बस इन्हें ध्यान से पढ़ दे और उत्तर करो नाओ अपडेट कि हमने कहा कि भाई ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त बताओ अब हमें ये पता है कि आयरन बराबर कॉपर है है ना अब ये कह रहा है नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट का मतलब क्या हुआ जी करेक्ट पूछना है है भाई अब ये क्या सही है ना जी ये सारे ही गलत है तो हमने कहा इनमें तो कोई भी सही नहीं है तो हम क्या कहें बच्चों None of these. आ रही है थोड़ी थोड़ी बात अब समझ में सार आ गई समझ में वेरी गुड अब देखो जी फिर इसी तरह का आप सबको यह पता है कि ट्रांसफॉर्मर में कुछ घूमने वाला नहीं है पता है ना सबको हमने क्या किया कि भाई नॉलेज तो बच्चे को है अब बस तुम ऑप्शन के हिसाब से अपने नॉलेज को ढाल दो नॉलेज आपको बहुत बढ़िया है बस ऑप्शन के हिसाब से डाल दो कि ट्रांसफॉर्मर में घर्षण हानि होती है नॉट ट्रू ये कह रहा है नॉट ट्रू यानी कि इनकरेक्ट बताने हैं कौन कौन से हैं, है जी ये बताओ ये करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है इसमें तो सुनने होती है ना तीनों गलत तो तीनों पे क्या ठीक है क्या फलाना नहीं है नाग। नाग। क्या हाँ तो ये सारे यही है तब भी नहीं समझ रहे ना तब भी वही चल रहा है कि दक्षता अब यार ये बताओ भाई ये पता सबको है ना आयरन बराबर कॉपर तो नाड़ी से नाड़ी भी खिलाड़ी मार लेगा है जी ये तो कोई भी कर लेगा अब हमें जो नॉर्मल प्लेयर है इनसे एक कदम अपने को आगे बढ़ाना कुछ ऐसे हैं जो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें रियल में मजा आता है कि यार कुछ नया सीख रहा हूं सिर्फ हमें अपनी इस नॉलेज को ऑप्शन में उतार के ही तो देखना था और तो कुछ नहीं करना था हमने कहा जी करेक्ट पूछ रहा है तो सर ये तो है नहीं हमने तो ये पढ़ रखा है ये जब ऑप्शन में मिला तो हमें बस उसमें ढालना है कॉपर ये एक ही तो आयरन कोर एक ही है जब कोर होता है तो कोर में होता है कॉपर बाइंडिंग में होता है ठीक है ये हो गया था हाँ ये हो गया डीसी मशीन में कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल करना है चलो पढ़ो देखो पढ़ो द ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ द करंट वेन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन जब सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाता है नो लोड ऑपरेशन पक्की बात है अच्छा ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है? नहीं है नॉट रॉन्ग मतलब भाई बच्चों एक बात बताओ नो no लोड की स्थिति में प्राइमरी से नो लोड करंट आता है जो कि मात्र दो से पांच प्रतिशत होता है उसके दो रोल है एक कोर कोरलोसिस को दर्शनो और एक मैग्नेटाइजिंग को अब इन्हें मिलाओ क्या फुल लोड प्राइमरी करंट लेगा खुद देखो अरे फुल लोड प्राइमरी करंट थोड़ा ना लेगा नो no लोड की स्थिति में खत्म नो लोड है तो ये तो गलत है अब सेकेंडरी का तो मतलब नहीं क्योंकि नो no लोड है अच्छा ये भी गलत नो लोड सेकेंडरी करंट कोई शब्द सुना भाई नो लोड प्राइमरी तो सुना क्योंकि प्राइमरी ही है जहां तुम सप्लाई दोगे ये भी गलत तो करेक्ट कोई है नहीं ये रहा। अब रट्टा क्या मार रखा है बच्चों ने कि नो लोड करंट दो से पांच प्रतिशत होता है चलो ठीक है आसान पेपर में वो काम कर जाएगा लेकिन ये तो सबने रट रखा ना अब हमने इसी आपकी नॉलेज को नो लोड ऑपरेशन वाले को बस ऑप्शन के माध्यम से अलग तरीके से आपको अलग जो वर्तमान में परिवेश है एग्जामिनर क्या सोचता है उसके हिसाब से ढालने की कोशिश की और कुछ नहीं सब लोगों को पता है देखो ये कई बार पढ़ा चुके कि भैया यहाँ V1 बताओ बताओ बी डब्लू आई एम इसे कौन हमारा बच्चा गलत करके आएगा ये सबको बताया कि सर ने कई बार लिखा रखा है कि पिछहत्तर से ज्यादा और नब्बे से सारे करके आएंगे इसे ये तो नॉर्मल था अब हमने थोड़ा सा बस इसको ऑप्शन के रूम में पूछा बढ़िया हो गया चलो जी नेक्स्ट देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है ध्यान से पढ़ना लेकिन इसको सॉल्व जरूर करना प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन करो उसके बाद आंसर करो है जी कॉपर लॉस बराबर लॉस हाइसिसंट ओ सुमित उल्टा जमीन में गाड़ दूंगा समझ में आई बात देखना भाई ये क्या कह रहा कहा उन्नीसवा नहीं सॉरी कहा अठारवा था क्या ये ये कह रहा है कि आयरन बराबर पता नहीं कौन सा लिख रखा कॉपर बराबर हाइस्टेसिस लिख रखा जी ये भी तो सही है अब हाइस्टेसिस प्लस एडी होता तब ये सही होता कुछ भी बताओ उत्तर बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग भी है देखो हमें ये बता है भाई आयरन कितने हैं बेटा डेढ़ सौ आयरन को बढ़ा के कॉपर के बराबर करना है मैक्सिमम पे दोनों बराबर होने चाहिए ना एक कॉपर को ही तो तुम आयरन के बराबर आयरन को थोड़ा ना तुम बदल के ले जाओगे कॉपर है तो कांस्टेंट है तो ये तो डेढ़ है मैक्सिमम के लिए कॉपर भी डेढ़ जो टोटल है तीन ए, किलो किलोवाट कहां से आ गया जब हमने वाट में दे रखा गलती तो यही थी अब बच्चे इसे क्या करेंगे देखें तुरंत देखते ही ए पर टूट पड़ेंगे जिन्होंने रट रखा ये सवाल अब इन्होंने ये नहीं देखा कि ये वाट में है निकाला वॉट में है और आंसर किलो वॉट में सारे तो हो गया गलत तो ये था डी ये ये ना खेल मत खेलो ऑप्शन लिखो बस ये तीन सौ किलो ये देखो तीन सौ किलो वाट भी लिख रहा है हा 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 कितना नालायक है ऐसे पे हंसो सब हा यार चलो देखो आ जाओ अब इंडक्शन की सैर कराए लेकिन न्यूमेरिकल आया कोई एक दो ये तो आया मुश्किल तो नहीं आया पेपर कैसा लग रहा लग रहा है ना तो भाई मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है टफ पेपर में या अच्छे पेपर में थ्योरी की बेसिक नॉलेज हो ऑप्शन को पढ़ो और लगाओ अब बताओ हाँ जी स्क्वायरल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का यूज नहीं करते सवाल ये है हाँ जी यस yes, स्क्वायरल केज ए भाई रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर स्लीपरिंग में होता है क्योंकि वहीं पर तार बाहर होते हैं तो ये स्लिपरिंग में है ये स्क्वायरल में पूछ रहा है तो ये इस्तेमाल नहीं होता किस में होता है स्लिपरिंग में होता है अब देखो डायरेक्ट ऑनलाइन छोटे मोटर के लिए 15 20 तक चला जाता है कई जगह और ये बड़े मोटर के लिए बड़े हॉर्स पावर के मोटर के लिए 20 हॉर्स पावर से भी ज्यादा के लिए किसमें ड्यूल में, में? रेटिंग हॉर्स पावर पर निर्भर है हॉर्स पावर पर है अगर बड़े बनाओगे ड्यूल वाले भी तो फिर ऑटो अदरवाइज स्टार्ट डेल्टा चलो भाई बच्चों ये रहा आसान सवाल है राकेश ए बातें नहीं बातें नहीं ये बड़ा मस्त सामान ला रखा उड़ जा रखी तो बात ना कर एक इंडक्शन जनरेटर वर्क बिटवीन द स्लिप अब मोटर पढ़ पढ़ के बच्चे बोर हो गए तो थोड़ा जनरेटर भी पढ़ लो लेकिन हमने नोट्स में लिखा रखा बेटा कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जाम पता नहीं कोरोना कुछ ना बिगाड़ रहा तुम्हारा नो 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 है क्या स्लिप नेगेटिव है और नेगेटिव मतलब ए भाई एस का मान नेगेटिव होने पर इंडक्शन मोटर जनरेटर बन जाता है और नेगेटिव कब होगा रे जीरो से कम तो मैं विशेषता बनवा यार बिल्कुल अधि कर दी ये मोटर रेक्टेंगल हाय पर बोला कल ही तो पढ़ा रहे थे एस बराबर जीरो से ये क्या था इंडक्शन जनरेटर फिट है मामला वेरी गुड अच्छा मोटर है मोटर जा अभी एक चीज और लिख दू मैं मोटर जो ऑपरेट कर रहा है ये हमारा है मोटरिंग मोड में इसमें और ब्रेकिंग मोड में ग्रेटर देन वन या ये लिख लें ये ठीक है जी ये नॉर्मल है मोटरिंग मोड में और ये है मोटर के ब्रेकिंग मोड में ठीक है भाई हाडक्श वाह वाह वा, बहुत बढ़िया सवाल रियली में अच्छा सवाल है हमने लिखा रखा है इंपॉर्टेंट में इंडक्शन जनरेटर क्या देखो लीडिंग ये लीडिंग पावर लेता है दोस्त लेता है लीडिंग ठीक है जी लैगिंग देता है लीडिंग लेता है ये लिख लिया हाँ ये भी अच्छा है बताओ जी आंसर करो तो कल कौन से सवाल करेंगे पावर सिस्टम अब भी अच्छा रहेगी कल भी सिंक्रोनस के और डीसी वाले थोड़े बहुत और 5 सात दस और ले लेंगे कल नहीं तो हर जगह से सवाल है लेकिन ज्यादा नहीं है हाँ भाई पढ़ो जरा पता। वाउंड टाइप का मतलब हुआ करता है स्लीपरिंग अब नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट का मतलब है इनकरेक्ट ठीक है भाई एंट्रिंग के द्वारा नहीं करते ये स्क्वायरल में होते हैं। इनकरेक्ट है रे स्प्लिट रिंग का मतलब कमोटेटर नहीं करते ना ये भी इनकरेक्ट है सर कॉपर लग्स इनकरेक्ट डीसी में होता है यार ये ये सारे इनकरेक्ट है यार तो ऑल ऑफ दिस हाँ है करो अगर थ्री फेस सप्लाई अवेलेबल है करो कोई प्रॉब्लम है लेटेस्ट वालों को तो अब करने लगे जहाँ डीसी था का ज्यादा होता है उसमें सर स्लिप रिंग दे दिया था ऑप्शन में और फिर कैपेसिटर स्टार्ट नहीं कैपेसिटर वाले का नहीं करेंगे स्लिप रिंग थ्री फेज पर डिजाइन होता है ना ये वाला ये अरे यार स्लिप रिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर कंडक्टर होते हैं इन्हें स्लिपरिंग की मदद से बाहरी जो प्रतिरोध होते हैं ना इनसे जोड़ते हैं एंडरिंग में जोड़ते हैं देखो एंडरिंग के माध्यम से ये इस तरह का जोड़ा करते हैं हम लोग केस में चलो भाई बच्चों ये है बढ़िया चलो आ जाओ पढ़ो लेकिन पहले ना सवाल को ढंग से पढ़ लो फिर उतारो सर जो सामने बैठे ने रूम पर नहीं जाना होता नहीं नहीं है रात को बारह बजे तक भी पढ़ लेते हैं बैठ के भाई बोलो जी जल्दी बोलो अब वेरी गुड स्मॉलर एयर गैप लीगेज कम है ना पावर फैक्टर अच्छा नॉट इनकरेक्ट मतलब इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट तो नहीं है ना बेटर ये करेक्ट है ना ओके डिक्रीज मैग्नेटाइजिंग करेक्ट है करेक्ट okay. वाली मार्क करने हैं तो दो और तीन थी. ठीक है जी नहीं है गया ये। तो क्या ये अरे रजा साहब क्या हो तुम तो बड़े उदास से हो बड़े उदास है जिंदगी कोई तो साथ ही चाहिए है? है? चलो ये बताओ <laughs> बुढ़ापे की तरफ जा रहे है <laughs> चलो, बताओ जी। फिर वही प्रतिशत प्रतिशत में वेल बताओ आंसर करो इसका द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड ए भाई पीएमडी बटे पीजी जी ये नहीं होता बराबर वन माइनस एस ये नहीं होता बराबर जीरो पॉइंट नाइन फाइव उत्तर बताओ तुम बाकी छोड़ो आंसर बताओ बच्चों ने तो अपना पहला रुझान दे दिया सर पीडीएफ दे देना दे कोई बात नहीं बेटा अपना सेंटर बता देना पेपर देने में हम पहुंच जाएंगे चिंता ना करो तुम्हें सब करा कराया मिलेगा प्रतिशत सी ना ये तो ये बोलो ना ए बी सी ए भगवान ये प्रतिशत में कैसे किया था? तुमने ये बता कहा गलती क्यों हमने तो प्रतिशत में जाली में निकाला भी नहीं अबे स्लिप आया तुम्हें अच्छे ही बताओ ये

हाँ भाई दसम लो अरे दशमलव जीरो पांच का मतलब पांच प्रतिशत है तुम समझ नहीं रहे बात को अरे का आगे रेलगाड़ी छूट रही तेरी ध्यान नहीं दिया तभी तो वाट लग रही सारी कहानी तो यही है ध्यान नहीं दिया चलो जी यार तुम नाराज़ ना हो ये तो आसानी दे दिया मैं ये कहूँगा देखो ना जो ये लड़कियाँ हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देखती हैं बेटा तुम भी इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हो जब तुम्हें कोई बोल रहा है ब्लॉक तो मैं ऐसे करूँगा ही भाई को भाई तो कहूँगा नहीं नालायक कहूँगा मैं ये कहूँगा जब तुम्हें कोई बोल रहा है कुछ तो तुम्हारे भी तो हाथ दे रखे ना अगर कोई सामने हो तो कूट दो बदतमीजी करने वाले को और जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है वैसे ही जवाब दो बताओ यू यार कैसे क्या ही बोल यार नहीं यही तो है जब एक प्रेरण मोटर को चालू किया जाता है तो रोटर की आवृत्ति होती है हम्म हो ये तो डी बोला है सेम एज द रोटर फ्रीक्वेंसी अरे यार एस बराबर वन ही आएगा स्टार्टिंग में तो एफ आर बराबर एस इन टू एफ यानी एफ तो सेम है सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्लीप पूछता तो तब कहते ना वन चलिए भाई सवाल करिए बहुत अच्छा सवाल है लेकिन पढ़ लो पहले

क्यों ये क्या है भाई ये ये क्या है अबे दो हट आया एन एस कितना रे सात सौ पचास आरपीएम आएगा क्योंकि आठ पोल है पचास से कहां से आता है वन ट्वेंटी एफ बाई पी से आता है निकाल लोगे एन का मान है सात सौ बीस एस आता है एन एस माइनस एन अपोन एन एस थर्टी हो गया अपॉन कितना हो रहा है ये तो दशमलव जीरो नहीं सॉरी हाँ ठीक है तो क्या एफ आर बराबर में एस इन एफ कितना आया दो हट्स आया ठीक है अब दो हर्ट्स यार ये भी तो ये दो हर्ट्स ही है और क्या है ये तुम भागे एकदम तुरंत डी पे ये भी भागे डी पे देख ही नहीं रहे ऊपर देखो अमित कुमार जी ने डी छाप दिया बाकी देखो समझदार है बाकी ने तुरंत बी कर लिया उत्तर तुरंत बदल दिया पहले डी चल रहा देख लो कोई बता दे सवाल मुश्किल है क्या सारे बेसिक है सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है और कुछ नहीं है हाई हाईफाई टॉपिक पे आधारित नहीं है ये बहुत बेसिक टॉपिक पर है एक तीन फेज प्रेरण मोटर में घूर्णन चुंबक के क्षेत्र की गति को नहीं कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है ऑप्शन बताओ वो छोड़ो अरे यार हैं नहीं होगा सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोस्त मैग्नेटिक फील्ड की गति को ही सिंक्रोनस गति कहा जाता है लिखा रखा है स्लिप स्पीड समझते हो एन एस माइनस एन को स्लिप स्पीड कहा जाता है तो इनमें से तो कोई भी ना ये सारे गलत थे भाई भावुक हो जा रहे हैं ठीक है तो आज की डोज ओवर ठीक है आई थिंक पूरी रात को पढ़ने का मसाला हमने आपको दे दिया ठीक है जी बढ़िया से पढ़ो और हमें कि कमी कहाँ है उसे दूर करने की प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं और बाकी लोगों से हम एक कदम नहीं दस कदम आगे होंगे अच्छा ईमानदार से बताओ मुझे नहीं लगता कि कोई जो बेसिक तैयारी कर रहा होगा आपका कंपटीशन रियल में किससे है एक कड़वे सच को बता दो तुम्हें। आपका कंपटीशन किससे नहीं नहीं वो तो फिल्मी डायलॉग था ना प्रैक्टिकली आपका कंपटीशन मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहे होते उन्हीं से है ना जो कहीं से भी ना छोटो तो, आपका कंपटीशन है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे अच्छा जी जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या नहीं पता रियली में कि ट्रांसफार्मर के ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना था सब पढ़ा रहे ना नहीं बताओ पढ़ा रहे ना ट्रांसफार्मर की कौन छोड़ रहा है ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट को कौन छोड़ रहा है कोई कहीं से भी कोचिंग कर रहा होगा तो पढ़ेगा ना अच्छा तो अब आपको उन लोगों को बीत करना है जो कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे या जो यहीं से पढ़ रहे छोड़ना है ना उन्हें पीछे अच्छा जी तो मेरे हिसाब से सबको पता है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता क्योंकि देखो यार जिस बेचारे ने किताब तब उठाई हो या शॉर्ट नोट्स से पढ़ रहा हो जब भर्ती आई तो रियल मानो उनसे आपका कंपटीशन है ही नहीं ये, ये कड़वा सच है इन, इनसे है ही नहीं तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारा competition उनसे है जो खिलाड़ी पहले से मैदान में है मैरिट हो या फिर रिजल्ट हो डिसाइड करेंगे वो लोग आप लोग अच्छा फिर वही अगर हम पढ़ते रहे किस बच्चे को नहीं पता होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट का रनिंग चार्ज ना के बराबर है बहुत कम है बताओ किसे नहीं बताओगा अब डिफरेंस पैदा कहां हुआ यूपी आरविनल टीजी टू में भी डिफरेंस पैदा यहीं से हुआ है चाहे इस बात को तुम मानो या ना मानो ये जो ऑप्शन या सवाल को घुमा के लिख दिया और कुछ नहीं और बेटा नॉट वैलिड नॉट करेक्ट नॉट इन ये ट्रेंड में है पिछले एक डेढ़ साल से हर एग्जाम में जेई और आई वालों के वही तो हम कह रहे हैं तो जब हमें पता कि इस तरह का सिनेरियो आ रहा है और हम फिर भी अनजान बने कि ना जी हम फिर भी उसी की तरफ चले हम वही अपना पढ़े नॉर्मल की डिजिटल में ए प्लस वन का मान तो वन है जी तो नॉर्मल है हमको पता तुम्हें क्या लग रहा है एंड का आउटपुट किसी को नहीं पता और का किसी को नहीं पता अब सवाल कहां से है अब रिजल्ट कहां कि थोड़े से घूमे हुए सवाल को कौन ध्यान पूर्वक टिक कर सकता है यहां से डिफरेंस पैदा होगा तो हमें बताए कि कहां से डिफरेंस पैदा होगा जो बेसिक चीज सबने पढ़ रखी हो तो हमने तुम्हें पढ़ा लिया अपने बच्चों को चाहे कोई विक्रांत बैच को, को फॉलो कर रहा हो या आप लोगों हमें कि बाकी से इन्हें इस रेस में आगे कैसे निकालना है इसलिए ये एक्सरसाइज है और रियलिटी बता दू डीआरडीओ मेरे लिए सिर्फ एक बहाना है ताकि बच्चों को मोटिवेटेड रख सकूं अदरवाइज मेरा टारगेट सीधे सीधे यूपीपीसीएल है कम से कम डीआरडीओ के बाहर ना जिस रिदम और मोमेंटम में हम चल रहे थे उसमें वापस आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे ताकि यूपीपीसीएल में फिर कमजोर पॉइंट कहाँ है हमारा पेपर आसान बना तुम नहीं छोड़ोगे लेकिन पेपर अगर घुमा तुम तब भी नहीं छोड़ोगे तो हम सबसे आगे हैं इसलिए तुम्हें एक दो दिन लगेगा कि सर ने परेशान कर दिया इसे बाकी लोगों से आगे रहने का अब देखो हमने सारी ही चीजें इसमें रिवाइज भी कही और सही तरीके से ऑप्शन को कैसे टिक करना वो भी पढ़ लिया तो पूरे पावर सिस्टम को कल पड़ गया हो जनरेशन वही रिले पिले ट्रांसमिशन वही उन्हीं पर घुमा घुमा के थोड़ा बहुत ऑप्शन में चेंज करके उसी पे कल हम पूरे पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तीस चालीस जितने भी संभव हो पाएंगे छः बजे से आठ बजे तक ठीक है जी चलिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच